हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अपने घर पे सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। मैं बबीता रानी आज फिर आपके साथ हूँ। आज हम करेंगे बेसिक नीड, विच इज़ वाटर। वी हैव मैनी बेसिक नीड्स, वाटर इज़ वन ऑफ देम। ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। यूजेज ऑफ वाटर। वाटर इज़ आवर बेसिक यूज़। और हम वाटर को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? वेयर वी यूज़ वाटर? फर्स्ट वी यूज़ वाटर फॉर प्लांटिंग। वी वाटर द प्लांट्स एंड द प्लांट्स ग्रोज अप। हम पौधों में पानी देते हैं और फिर क्या होता है, प्लांट्स ग्रो करते हैं। ओके, सो वाटर जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। वी यूज़ वाटर फॉर वाटरिंग द प्लांट्स। नेक्स्ट ड्रिंकिंग। ऑल ऑफ अस ड्रिंक वाटर एंड वी मस्ट ड्रिंक वाटर रेगुलरली। वी मस्ट ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें कम से कम 8 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, आपने मम्मा को ये काम करते हुए घर पे देखा है। व्हाट्स दिस? वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोने के लिए, साफ़ सफाई के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, बेदिंग मीन्स नहाने के लिए। नहाने के लिए भी तो हमें पानी चाहिए ना, बिना पानी के हम नहाएंगे कैसे। एंड नेक्स्ट इज क्लीनिंग द हाउस, घर को साफ़ करने के लिए, घर की साफ़ सफाई के लिए भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वाटर की। ओके, दीज आर द यूजेज ऑफ वाटर। दीज आर द सम यूजेज ऑफ वाटर। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, बट दीज आर द मेन यूजेज ऑफ वाटर। दैट्स वाई आई हैव डिस्कस्ड ओनली दीज वन। नाउ सोर्सेज ऑफ वाटर। अब हमें पानी, हमने यूज़ तो किया लेकिन हमें पानी मिलेगा कहाँ से? सोर्स क्या होगा? सोर्स होता है जिससे हमें कोई चीज़ मिलती है। सोर्सेज ऑफ वाटर मीन्स पानी हमें कहाँ से मिलता है, पानी का सोर्स क्या है, हमें पानी कहाँ से मिलता है। वी गेट ऑल वाटर ऑन अर्थ फ्रॉम रेन। हमें पानी, मेन जो हमारा सोर्स है वो क्या है, वो है रेन। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट व्हाट्स द पिक्चर अबाउट? इट इज़ ओशन एंड सी, समुद्र। समुद्र और जो महासागर जो होते हैं, दे आर ऑल्सो अ सोर्सेज ऑफ वाटर। लेकिन क्योंकि उनका पानी जो होता है वो सॉल्टी होता है, उसे डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज हैंड पंप। ये आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, हैंड पंप, एक पंप जिसे हैंड से मूव किया जाता है और हमें पानी मिलता है, हैंड पंप। वेल मीन्स कुआं, इट्स ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज टैप, ये हमारे सभी के घरों में है टैप, दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज लेक, हमारे आसपास में आपने देखा होगा जैसे बहुत सारी लेक्स होती हैं, रोहतक में जैसे तिलियार लेक है, हाँ, और चंडीगढ़ में सुखना लेक है, ऐसे ही बहुत सारी लेक्स हैं। उन लेक का जो वाटर होता है, लेक वाटर यूज़ किया जाता है। पोंड, छोटे छोटे तालाब, ठीक है, दे आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। रिवर एंड स्ट्रीम, नदी नाले हैं हमने आसपास में, आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं जब आपको बहुत सारी नदियाँ दिखती होंगी, दे आर ऑल्सो सोर्स ऑफ वाटर, क्योंकि उसमें पानी है, उस पानी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो रिवर एंड पोंड्स एंड स्ट्रीम्स आर ऑल्सो द सोर्सेज ऑफ वाटर। नाउ अब हमने पानी को यूज़ करना है तो हमें सोर्स भी चाहिए, लेकिन जब हमें पानी मिलता है तो उसे स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना। अब मान लो अगर हमारे घर के आसपास में कहीं पे हैंड पंप है, तो हर बार हम ये तो नहीं करेंगे कि हमें पानी चाहिए तो हम क्या करें, हम सीधा हर बार पानी, अगर हमें 1 ग्लास वाटर भी चाहिए तो हम जाएंगे हैंड पंप से पानी निकालेंगे, या वेल से पानी लेंगे, या हम रिवर पे जाएंगे पानी लेने के लिए। ऐसा तो नहीं कर सकते, हमें कुछ पानी अपने पास स्टोर करके भी रखना पड़ता है ना। तो अब हम डिस्कस करते हैं स्टोरेज ऑफ वाटर एट होम, कि हमें घर पे हम कैसे पानी को स्टोर कर सकते हैं, इकट्ठा करके रखा जा सकता है। वाटर इज स्टोर्ड इन बिग टैंक्स मेड एट रूफ। हमारे घरों में ऊपर छत पे टैंक्स बनाए भी जाते हैं
और बने बनाए प्लास्टिक टैंक्स भी हम यूज़ करते हैं, है ना। दिस वाटर इज़ अवेलेबल फॉर यूज़ थ्रू टैप्स। और हमारी जो पानी टैंक होते हैं, वाटर टैंक होते हैं, उनसे क्या होता है, पाइप, वाटर पाइप होती है, वो हम नीचे अपने किचन में, हमारे वॉशरूम्स में हम रखते हैं और टैप से उस पानी को यूज़ करते हैं। वाटर इज़ स्टोर्ड इन प्लास्टिक टैंक्स ऑफ वेरियस कैपेसिटीज़ अवेलेबल इन मार्केट। दीज टैंक्स गॉट फिटेड ओवर रूफ और वॉशरूम्स एट्सेट्रा। बहुत तरीके का, अलग अलग तरीके के वाटर टैंक्स होते हैं। कहीं पे कोई ब्रिक से बनवा देता है, कोई वो प्लास्टिक जो टैंक होते हैं, वाटर टैंक, उसको यूज़ करता है। तो अलग अलग टाइप के वाटर टैंक्स होते हैं और लोग उनसे पानी को यूज़ करते हैं। देखिए, दिस इज़ द वाटर टैंक, प्लास्टिक टैंक, दीज आर द प्लास्टिक टैंक्स एंड दीज आर वी कैन से ब्रिक टैंक्स। हम ये जो टंकी जो आपको दिखी, ये जो है रूफ पे, एक तो ब्लैक कलर में है, ब्लैक कलर वाली प्लास्टिक टैंक है, और जो दूसरा है वो क्या है, वो बनाया हुआ है सीमेंट से, ब्रिक्स से बनाया हुआ वाटर टैंक है। नेक्स्ट, हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं पानी को, पॉट्स में, ठीक है। अब पॉट्स अलग अलग तरीके के होते हैं। पॉट्स आर मेड ऑफ क्ले, ब्रास एंड स्टील। ब्रास पॉट्स भी होते हैं और स्टील पॉट्स भी होते हैं और क्ले पॉट्स भी होते हैं। देखिए कैसे, पॉट्स, क्ले पॉट वाटर इज़ वेरी हेल्दी फॉर अस। जो मटके का पानी होता है ना, वो सबसे अच्छा पानी माना जाता है पीने के लिए। क्यों? क्योंकि वो पानी हमारे बॉडी के लेवल से मैच करता है। वो बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, ठीक है। दिस इज़ द क्ले पॉट। नेक्स्ट इज, इट इज़ ब्रास पोट, ठीक है। ये कैसा पोट है, ब्रास पोट है। नेक्स्ट इज स्टील पोट, ओके। नाउ नेक्स्ट, वी कैन स्टोर वाटर इन ड्रम्स। ड्रम्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर फॉर कंस्ट्रक्शंस और कैटरिंग पर्पसेस मेनली। ड्रम्स में जो पानी है वो बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके अंदर स्टोर करते हैं हम पानी को, कि अगर कहीं पे घर बन रहा है तो वहाँ पे ड्रम्स के अंदर पानी भर के रखा जा सकता है कि टाइमली यूज़ किया जा सके। या कहीं पे फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे बल्क में जो लोग आते हैं उनके लिए पानी एकदम टैप से लेना नहीं पॉसिबल हो पाता, इसलिए क्या करते हैं, ड्रम्स में स्टोर करते हैं। देखिए, इस तरीके की बकेट या ड्रम्स आपने देखे होंगे, दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ड्रम। और ये कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट इज जग्स, कैंस एंड बकेट, ठीक है। फॉर ड्रिंकिंग पर्पस वाटर इज़ कैप्ड इन जग्स एंड बॉटल्स। हमारे घरों में भी यूज़ होता है ना, हम जग्स में भी पानी रखते हैं, खाना खाते हैं उस टाइम पे, और बॉटल्स में भी रखते हैं। Cans and tins also used at houses for storing water. Cans or tins भी use किए जाते हैं पानी को store करने के लिए। Water is also stored in buckets is handy for use. बाल्टियों में, buckets, बाल्टियों में जो पानी इकट्ठा किया जाता है वो easily use हो सकता है, है ना। This is the brass jug. It is a bottle, water bottle, which is used for store the water. It's a bucket and it's another type of steel jug. Next, tubs. Tubs, water stored in plastic or steel tubs is mostly used for washing purposes. Tubs में जो पानी डालते हैं वो maximum क्या होता है, धोने के लिए, किसी भी चीज़ की साफ़ सफाई के लिए। जैसे बहुत सारे बर्तन होते हैं तो हम टब्स में पानी डाल के यूज़ कर सकते हैं, या हमें ममा क्या होता है, कई बार बहुत सारे भारी भारी से कपड़े होते हैं, उन्हें वॉश करने के लिए भी ममा क्या करती हैं, टब्स में पानी को स्टोर कर लेती हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव लर्नड यूजेज ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड sources of water. Thank you. Have a nice day.